नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी ने परीक्षा की तिथि तय की है। 28 से 30 जनवरी 2022 को राजधानी के 14 केंद्रों पर सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। सेंटर पर सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराने के लिए जेपीएससी ने रांची उपायुक्त को पत्र लिखा था। रांची जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जेपीएससी मुख्य परीक्षा में कुल 4,293 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इन सभी अभ्यर्थियों का चयन पीटी परीक्षा के माध्यम से हुआ है। परीक्षा के पहले इन सभी अभ्यर्थियों को आयोग की तरफ से सूचित किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी 18 जनवरी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना डेट ऑफ बर्थ और प्रारंभिक परीक्षा का रोल नंबर डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। 18 जनवरी से 25 जनवरी तक लिखित आवेदन देकर एडमिट कार्ड में सुधार करा सकते हैं। मुख्य परीक्षा दो पालियों में होगी। जाने किस दिन किस विषय की होगी परीक्षा। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की मुख्य परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी, जिसमें कुल 6 पेपर होंगे। पहले दिन प्रश्न पत्र एक और दो विषय का होगा। प्रश्न पत्र एक सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, ये क्वालिफाइंग का होगा। इसके दूसरे खंड में हिंदी और अंग्रेजी होगा। दोनों खंडों का अंक होगा समान। प्रत्येक खंड के लिए 50 अंक तय किए गए हैं। प्रश्न पत्र दो में भाषा और साहित्य का होगा। इसमें उम्मीदवार को निम्न विषयों का चयन करना होगा। दूसरे दिन प्रश्न पत्र तीन और चार विषय की परीक्षा ली जाएगी। प्रश्न पत्र तीन में सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल और प्रश्न पत्र चार में भारतीय संविधान, राजनीति, लोक प्रशासन और सुशासन की परीक्षा ली जाएगी। 29 जनवरी को पहली पाली में पेपर तीन और दूसरी पाली में पेपर चार की परीक्षा होगी। अब तीसरे दिन की बात कर लेते हैं। प्रश्न पत्र पांच और छह विषय की परीक्षा ली जाएगी। प्रश्न पत्र पांच में भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और सतत विकास का प्रश्न पत्र होगा। सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी विषय का इसमें पेपर भी होगा। 30 जनवरी को पहली पाली पेपर का होगा और पांच और दूसरी पाली में छह की परीक्षा ली जाएगी। यानी एक बार फिर से इसको पैच लेते हैं। 30 जनवरी को पहली पाली पेपर पांच होगा और दूसरी पाली में पेपर छह की परीक्षा ली जाएगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।